फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी छोटी मशीन का हम सेटल की सफाई कैसे करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हमने ये मशीन का ऊपर का ले लिया है पार्ट्स को। तो चलिए, इसको हम इसकी सेटल की सफाई कैसे करते हैं, तो ये हमने एक पेचकस लिया, इसी की सहायता से हमें इसको ओपन करना है। तो इसको हम पीछे के साइड से पलट लेंगे कुछ इस टाइप से। अब यहाँ दो नट होती है, एक ये और एक ये स्क्रू होती है। ये देखिए, ये और ये दोनों को हम खोलेंगे। तो चलिए हम खोलते हैं। तो हम सफाई करके ऑयल भी डालेंगे। तो पहले हम इस नट को खोल लेते हैं इस तरीके से। हम वीक में एक बार ज़रूर सेटल की सफाई करें। सेटल की सफाई हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारी मशीन बहुत भारी चलती है, आवाज़ होने लगती है, क्योंकि इसमें गंदगी फंस जाती है। जो भी कपड़ा स्टिचिंग होता है उसका जो सूत निकलता है वो सब इसमें फंस जाते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम दोनों नॉट को खोल लेंगे और इससे सेटल को निकालेंगे। कुछ इस टाइप से हमने दोनों स्क्रू को खोल लिया है। फ्रेंड्स, इस सेटल को निकालने से पहले आप इसका पिक क्लिक कर लें फोटो, क्योंकि जैसे है बस वैसे ही हमें सेटिंग करनी होती है। तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से निकालने के बाद, तो इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद ये वाला जो नट है उसको हम खोलेंगे। ये थोड़ी सी हार्ड है, ये तो हमने इसको भी खोल लिया। अब इसके हर पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से। अब इसके सारे पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। उससे पहले हम इसकी पहले सफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, उसी कॉटन के कपड़ा से हम पहले नीचे की सफाई कर लेंगे। जितने धूल डस्ट होते हैं इसमें आ जाते हैं, तो वो सबको हम अच्छे से पोंछ लेंगे। इधर से ये सब जितने हैं ये सबको हम पोंछ के, उसके बाद ये देखिए। तो पहले हम इसको क्लीन कर लिए अच्छे से। अब चलिए इसको हम क्लीन करेंगे। तो हम एक एक पार्ट्स को निकालते जाएंगे और क्लीन करते जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये हमने ये भी क्लीन कर लिया। अब जैसे था हमें उसी तरह इसको लगाना भी है। देखिए कितना सारा इसमें से निकला गंदगी। इसी गंदगी से हमारी सिलाई मशीन फिनिशिंग में ही हो पाती है सिलाई। तो चलिए, हमने इस तरीके से खोल लिया। अब इसको हमें देखना है लगाना कैसे है। तो इसको हम इस टाइप से लेंगे, कुछ इस टाइप से अंदर की तरफ रखेंगे, जैसे हमने इसको ओपन किया था, बस उसी तरह हमें लगाना है। अब यहाँ पे लाके इसको सेटिंग करेंगे। ये ध्यान रखना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया। अब इसको हमने पोंछ लिया। पोंछने के बाद इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। उसके बाद फिर ये वाले को यहाँ से कुछ इस टाइप से, ये देखिए इसके ऊपर हमने इसको रख लिया। अब ये जो स्क्रू है कुछ इस टाइप से रखना है। अब इसमें ये जो हमने स्क्रू खोला था सेम उसी तरह इसको बैठा लेना है। पहले हम थोड़ा सा हाथ से बैठाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये अब चलिए हम इसमें अटैच करते हैं। तो इसको हम बैठाएंगे कुछ इस तरीके से।
तो चलिए अब इसमें सेटिंग कर लेते हैं। तो इस टाइप से रख लेंगे, कुछ इस टाइप से रखने के बाद हम इसको बैठा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, मर जहाँ पे स्क्रू लगता है हमें वहीं पे बैठाना है, कुछ इस टाइप से। अब इस स्क्रू को लेंगे हम, इसके अंदर डाल देंगे, डाल के हम इसको लगा लेंगे जहाँ पे हमारा लगा हुआ है दोनों को। हम अब इसको हम दोनों नीचे ऊपर लगाते हुए कस लेंगे। हम टाइट से क्या करेंगे कि दोनों नॉट को अच्छे से इसमें कस लेंगे ताकि हमारा ढीला ना हो दोनों को। तो कुछ इस टाइप से हमने सेटल की सफाई कर ली है फ्रेंड्स। अब चलिए हम ऊपर की, अब ये सब में हम ऑयल डाल देंगे, तेल डाल देंगे, कुछ इस टाइप से हमने इसमें तेल डाल दिया है। अब ऊपर की सफाई कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमने एक बार में नहीं खोला था ताकि आपको समझ नहीं आएगी। अब हम ऊपर की सफाई कर लेते हैं, इसको ओपन करके। हमने एक बार में ही सारे पार्ट्स को नहीं समझाया क्योंकि फिर इसको सेटिंग करने में आप सबको प्रॉब्लम होती, बिगनर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है सेटल। अब इसमें भी बहुत सारी गंदगी है, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए यही सब जितनी गंदगी है, यही सब फंसने से हमारी मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो कुछ इस टाइप से हमने साफ कर लिया। अब इसमें भी हम ऑयल डाल लेंगे कुछ इस टाइप से। अब चलिए वापस इसको हम इसमें कस देते हैं, दोनों स्क्रू को हम इस तरीके से कस देंगे। तो आप इजीली घर में ही आप अपने मशीन की सेटल को साफ कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। इसी के प्रॉब्लम से हमारी सिलाई भी ख़राब होती है। तो पहले आप सेटल बनाकर साफ कर चेक कर ले, उसके बाद ही आप मैकेनिक के पास जाएं बनवाने के लिए। अब कुछ इस तरीके से हमने साफ पूरे को कर लिया है। अब देखिए हम चला कर देखते हैं, देखिए काफ़ी हल्का चल रहा है, इसका आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने चला दिया कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स अब हम ऊपर की तरफ ऑयल डाल लेंगे, ऊपर में भी सब में। हमें रोज़ मशीन में ऑयल नहीं करना है तो कम से कम एक दिन बीच करके, आप एक दिन अब्सेंट करके मशीन को ऑयलिंग ज़रूर करें, ऑयल ज़रूर डालें मशीन का। अब देखिए ये काफ़ी हल्का चलने लगा कुछ इस टाइप से। तो इसी टाइप से आप घर में आसानी से आप अपने मशीन की सफाई कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ओल्ड मशीन है, ये मेरी मम्मी की मशीन है, बहुत पुरानी मशीन है। मेरे पास 3 सिलाई मशीन है जो कि ये सबसे पुरानी वाली है। और सिलाई हमें कितना नंबर पे करना है वो देख लेते हैं, तो चलिए वो दिखाते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं, हम 2.5 या 3 पे करते हैं, तो चलिए हम 3 पे कर लिए। अब इस तरीके से देखिए काफ़ी हल्का मशीन चल रहा है। तो फ्रेंड्स आज की सेटल की सफाई की वीडियोस कैसी लगी आप सबको, आप हमें ज़रूर बताइएगा। घर में आप आसानी से बिना मैकेनिक के आप इस तरीके से अपनी सिलाई मशीन की सफाई कर सकते हैं सेटल में। और पूरे जितने धूल मिट्टी है देखिए हमने सब तरफ से साफ कर लिया, हल्का सा ऑयल लगा के ये सबको पोछ लिया है कुछ इस टाइप से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। फिर मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।